बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अब ये है कि भाई जो मेरे भाई छुट्टी पर गए हुए हैं सऊदी अरेबिया से, इंडिया में चाहे आप मौजूद हैं, चाहे पाकिस्तान में मौजूद हैं, चाहे बांग्लादेश में मौजूद हैं, तो भाई फ्लाइट्स वगैरह के मुताबिक आपको पता है कि बंद जा रही हैं अभी भी सऊदी अरेबिया के इंटरनेशनल फ्लाइट्स, तो आप सऊदी अरेबिया में नहीं आ सकते। तो इस चीज़ को देखते हुए शाह सलमान की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया था, बहुत बड़ा ऐलान मैं ऐसे बोलूँगा कि बंदों के इकामों में तोसी कर दी गई थी 7-31 तारीख तक, यानी कि इस माह की 31 तारीख तक भाई आपके इकामे बढ़े हुए हैं, यानी कि ईद के 10 दिन बाद तक भी आपके इकामे बढ़ा दिए गए थे सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। और ईद के 10 दिन बाद तक अगर फ्लाइट्स खोल ली गई तो आप सऊदी अरेबिया में पहुंच जाएंगे, बशर्ते कि आपने वो शराइत पूरी की हो जो सऊदी अरब रखी है। ये वो एक डिटेल आई, उसके में लंबी वीडियो हो जाएगी, उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। वैक्सीन वगैरह का मतलब जो भी है वो वीडियो मैं आपके साथ मुकम्मल तफसील से वक्तन फवक्तन आपके साथ शेयर करता आया हूँ। तो बात कर लेते हैं, क्या वाकया ही ऐसा है? जैसा कि पहले जो मेरे भाई छुट्टी गए हुए थे, आपको पता ही उनके इकामे भी, पिछले साल की बात कर रहा हूँ भाई मैं, उनके इकामे बढ़ाए गए थे, लेकिन जब आने वाली बात हुई थी तो उस टाइम उनकी कंपनीज को, उनके कफीलों को ये कहा गया था कि तुम लोग यहाँ पर आओ, उनके इकामे तजदीद करो, हमने जो मुद्दत बढ़ाई है वो उतना उसमें इजाफा कर दिया जाएगा, या यहां पर आकर अपना पेपर वगैरह, उस बंदे की कार्रवाई, उसकी पैरवाई, यानी कि पीछे से पैरवाई तो करो। लेकिन बहुत से बंदे, मेरे खुद के दोस्त बहुत से भाई पाकिस्तान या इंडिया में ही, पाकिस्तान में रह के भाई इस चीज को देखते हुए कि भाई हमारे पीछे से किसी ने कार्रवाई ही नहीं की है। तो बात कर लेते हैं इस न्यूज की, इस बार भी ऐसा होगा कि आपके इकामे तो बढ़ा दिए गए हैं, बाद में कोई मसला और निकले कि जैसा कि इकामे रिन्यू करें, और जो मुद्दत हमने यानी कि 3 माह की या 4 माह की बढ़ाई थी, जब आप रिन्यू करेंगे तो वो भाई बढ़ा दी, वो तो बढ़ा दी गई है, लेकिन इकामा आप रिन्यू करें उसके बाद वो मुद्दत साथ में इकामे के साथ में लगा दी जाएगी। तो बात ये है कि इस बार मेरा दोस्त है जी, अभी वो मुझको बोल रहा था कि मैंने सिस्टम के ऊपर बैठ कर इकामे चेक किए हैं, जो हमारे दोस्त इस बार 3 से 4 बंदे यानी कि पाकिस्तान में मौजूद हैं उनके, तो 7-31 इस माह की 31 तारीख तक उनके इकामे बढ़े हुए हैं। या जी मेरे भाई, उनके इकामे रिन्यू हैं इस माह की 31, यानी कि उनके इकामे तो आज से भाई 3 माह पहले 4 माह पहले खत्म हो चुके हैं, लेकिन आपको पता ही दूसरे माह से लेकर ये 7वें माह की 31 तारीख तक इकामे बढ़ा दिए गए थे, तो उनके इकामे इस माह की 31 तारीख तक बढ़े हुए हैं। बशर्ते कि आप अगर ईद के 10 दिन बाद तक हैं, तो इस अराउंड में अगर फ्लाइट्स ओपन होती हैं तो आप सऊदी अरेबिया में आ सकेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर फिर भी फ्लाइट्स नहीं होती हैं तो फिर या तो आपके इकामे बढ़ा दिए जाएंगे, तो या भाई अगर इकामे नहीं बढ़ाए जाएंगे तो फिर आप भाई पाकिस्तान या इंडिया में भी बैठे रह जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, अगर सऊदी गवर्नमेंट पहले इतने ज्यादा महीनों के इकामे बढ़ा सकती है, अगर फ्लाइट्स यहां से डिले की जाती हैं तो फिर भाई मजीद इकामे बढ़ा दिए जाएंगे। बाकी इसके मुतालिक जो भी इंफॉर्मेशन होगी फ्लाइट्स के मुतालिक, जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।